पांच विद्यालय चलती है। हाँ, पांच विद्यालय चलती है। कब से ऐसे ही सर एक ही बिल्डिंग में चल रही है ये पांचों विद्यालय? हम लोग तो आए हैं 16 में, विशेष को बाकी हम लोग 16 में आए हैं। बहुत पहले से सर चल रही है क्या? उसी रेंज से, सब उसी रेंज से, 16 से ही। हाँ, एक बार से आगे पीछे से उसी रेंज। परेशानियां होती है सर, एक बिल्डिंग में पांच स्कूल चलाना कितनी मुश्किल है? मुश्किल तो बहुत है, रूम नहीं है, बच्चा के पढ़ने का एक रूम में 1 से लेकर 8 तक बच्चा को पढ़ाना पड़ता है, दिक्कत तो होता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार बिहार सरकार की तरफ से यह दावा किया जाता है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था काफ़ी बेहतर है। लगातार यह दावा किया जाता है कि बिहार में भवन निर्माण करवाया जा रहा है सरकारी स्कूलों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं एक तस्वीर जो है आपको हम दिखाना चाहेंगे। पटना के करबिगहिया स्थित यह तस्वीर है, यह तस्वीर जो है एक स्कूल की है जहाँ पर एक बिल्डिंग में पाँच स्कूल चलाया जाता है। बता दें आपको कि बिहार को कहीं ना कहीं लगातार कहा जाता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर करेंगे, बिहार का शिक्षा व्यवस्था काफ़ी आगे लेके जाएंगे, दिल्ली के तर्ज पर जो है शिक्षा व्यवस्था बिहार का बनाएंगे। तो ये तस्वीर एक बार दिखा देना चाहेंगे, ये तस्वीर जो है बिहार के स्कूलों की है जहाँ का जो स्थिति है वो जंजर हो गया है, अघोषित हो गया है ये स्कूल। और एक बार तस्वीर देखिए किस तरीके से पूरे तरीके से जो प्लास्टर है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है, बिल्डिंगें झड़ रही है। तो वहीं तस्वीर जो है आपके सामने देख सकते हैं, एक बिल्डिंग में पाँच स्कूल चल रहा है और पाँच स्कूल जो है पटना का ही है, पाँचों स्कूल करीब 5 साल से चल रहा है और यहीं पर जो है पांचों स्कूल के बच्चे आते हैं पढ़ते हैं। 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है जहां पर पांचों स्कूल के बच्चे आके पढ़ते हैं। बता दें आपको कि अभ्यर्थी जो हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, तो वहीं शिक्षकों को भी काफ़ी दिक्कत होती है, शौचालय की भी व्यवस्था यहाँ की ठीक नहीं है। वहीं टीचर जो है उनसे बात करेंगे, जुड़ेंगे, जानेंगे कि कितनी परेशानियाँ होती हैं, कितने दिनों से यहाँ पर ऐसे ही स्कूल चलाया जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? 6:30 से 11:30 मेरा विद्यालय था, 6:30 से 11:30 जो विद्यालय मेरा हम लोग को बंद हो गया, हम लोग ऑथराइज रूप में नहीं है। अभी विद्यालय जो चल रहा है वो दूसरा शिफ्ट वाला विद्यालय चल रहा है, जो हम लोग अभी विद्यालय नहीं चल रहा है। अच्छा। सुबह में विद्यालय यहाँ पर चल रहा था, उसमें 4 विद्यालय चल रहा था, चांदपुर विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय चांदपुर वेला, प्राथमिक विद्यालय जयप्रकाश नगर, बालक मध्य विद्यालय करबिगहिया और न्यू सीना पटन मध्य विद्यालय पुरंदरपुर, ये 4 विद्यालय 6:30 से 11:30 चल रहा था। यहाँ पे 5 विद्यालय चलती है? हाँ, 5 विद्यालय चलती है। कब से ऐसे ही सर एक ही बिल्डिंग में चल रही है ये पांचों विद्यालय? हम लोग तो आए हैं 16 में, विशेष को बाकी हम लोग 16 में आए हैं। बहुत पहले से सर चल रही है क्या? उसी रेंज से, सब उसी रेंज से, 16 से ही चल। हाँ, एक बार से आगे पीछे से उसी रेंज। हाँ, 16 के पहले स्कूल सर कहाँ कहाँ था, मतलब सब? कृषि फार्म में हम लोग थे। अच्छा। कृषि फार्म जब टूटा ना तो हम लोग को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया कि आप लोग जाइए यहाँ पर, किसी पर हम लोग को आदेश दिया गया, हम लोग यहाँ पर चले आए। कितनी परेशानियाँ होती है सर एक बिल्डिंग में पांच स्कूल चलाना कितनी मुश्किल है? मुश्किल तो बहुत है, रूम नहीं है, बच्चा के पढ़ने का एक रूम में 1 से लेकर 8 तक बच्चा को पढ़ाना पड़ता है, दिक्कत तो होता है। 1 से लेकर 8 तक एक ही रूम में एक बच्चा को पढ़ाना पड़ता है तो दिक्कत तो होता है बहुत। अब उनके पूछिए, अभी विद्यालय उन्हीं का चल रहा है। अच्छा। सर आप कौन से शिफ्ट में आते हैं? मॉर्निंग शिफ्ट में है। आप कौन से स्कूल के? प्राथमिक विद्यालय चांदपुर बेला है ना, उसमें हम हैं। हम लोग का सर दिक्कत होती होगी बहुत ज्यादा एक ही क्लास में, छोटा बच्चा है, ऐसा कुछ बहुत दिक्कत नहीं है, छोटा बच्चा हम लोग का है और उसमें उस रूम में है कुछ यहाँ बैठा। कहाँ के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं? पांचों स्कूल इसी एरिया के, इसी लोकलिटी के, वो रोड के उस तरफ जी, जीत लाल पथ है ना इधर का भी गए, हमारे में 1 से 5 तक है। और सर आपने? 1 से 8 तक। 1 से 8 हाँ, यानी कि 1 से 5 तक 2 शिफ्ट में सुबह में चलता है और 1 से 8 तक जो है 12 बजे के बाद। 1 से 5 में 2 विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय चांदपुर बेड़ा, अब प्राथमिक विद्यालय जयप्रकाश नगर, 2 को 1 से 5 में है। और मॉर्निंग शिफ्ट में ही 2 विद्यालय 1 से 8 में है, वो न्यू सीना मॉडर्न मध्य विद्यालय पुरंदरपुर और बालक मध्य विद्यालय करबिगहिया, 4 विद्यालय। सर शौचालय की स्थिति देख सकते हैं क्या? हम नहीं दिखा सकते हैं, मेरे अंदर में नहीं है वो, सर दिखा सकते हैं, हम नहीं दिखा सकते हैं।
चलिए एक बार शौचालय की स्थिति दिखाएंगे, देख सकते हैं किस तरीके से ये भवन है और भवन का निर्माण जो अच्छे तरीके से नहीं कराया गया। और सबसे बड़ी बात कि एक बिल्डिंग में 5 स्कूल चलाया जाता है। नीचे देखिए जो ज़मीनें हैं वो कहीं ना कहीं मिट्टी की अभी तक है और उसको अभी तक बनाया नहीं गया है। सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि भवन निर्माण कर रहे हैं हम, स्कूलों को लेकर जो है बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो वहीं ये तस्वीर जो है क्लासों के अंदर की हम दिखाएंगे। ये क्लास है और क्लासरूम देखिए छोटा सा ये क्लासरूम है और इसी में 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो वहीं ऊपर में भी देखा जाए तो 1 से 5 तक के बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं और काफी परेशानियां होती हैं। देखा जाए तो 2016 से ये एक ही बिल्डिंग में 5 स्कूल चलाया जा रहा है। पटना का 5 स्कूल इस बिल्डिंग में चलाया जा रहा है। जिस तरीके से हमने एक यहाँ के शिक्षक से बात किया, उनका साफ कहना था कि एक ही बिल्डिंग में 5 स्कूल चलाया जा रहा है और 5 स्कूल का उन्होंने नाम बताया था। तो वहीं तस्वीर जो है ये शौचालय की है, शौचालय की स्थिति आपको हम दिखाएंगे। देख सकते हैं किस तरीके से ये शौचालय है और शौचालय की भी स्थिति जो है जर्जर है पूरी तरीके से। शौचालय में कहीं ना कहीं सीट नहीं लगा है। वहीं जो 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनको काफ़ी परेशानियाँ होती होगी क्योंकि देखा जाए तो स्वच्छ करने में या फिर तमाम लोगों को जाने में जो है दिक्कतें होती है। तो वहीं देखा जाए तो देख सकते हैं जो स्मेल है वो आ रही है। तो वहीं साफ सफाई भी नहीं कराया जाता है यहाँ का जो शौचालय है उसको। तो वहीं बता दें आपको कि सरकार कई दावे करती है, बिहार सरकार की तरफ से कई दावे किया जाता है। तो वहीं ये देखिए किस तरीके से जो पाइप है वो कहीं ना कहीं जर्जर हालत में है। पाइप की भी स्थिति जो है जर्जर हालत में है ना। किसी तरीके का जो ध्यान है वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग लगातार दावे करता है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी बेहतर है। बिहार के सरकारी स्कूल का जो भवन है वो कभी कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है और लगातार भवन निर्माण करवाया जा रहा है सरकारी स्कूल को लेकर। लेकिन ये तस्वीर जो है राजधानी पटना की है, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं, जहां पर तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रहते हैं, और यह वही जगह है जहां पर बिहार के शिक्षा मंत्री रहते हैं। लेकिन किसी का ध्यान इस स्कूल के बिल्डिंग पर नहीं जाता है। एक ही बिल्डिंग 5 स्कूल, पटना के 5 जगहों का स्कूल एक ही बिल्डिंग में चलता है। तो ये तस्वीर आपके सामने है, देख सकते हैं स्कूल की जो हालत है वो जर्जर है और एक ही बिल्डिंग में 5 स्कूल चलाया जाता है। काफ़ी शिक्षकों को दिक्कत होती है, देखा जाए तो स्वच्छ करने में सबसे ज़्यादा परेशानियां होती है क्योंकि शौचालय अच्छे से बनाया नहीं गया है। तो वहीं भवन का निर्माण जो है पूरे तरीके से नहीं किया गया है, आधा अधूरा जो निर्माण है वो हो रखा है। तो वहीं 2016 से ही ऐसे ही आधा अधूरा भवन निर्माण के बाद जो है स्कूल चलाया जा रहा है। तो वहीं तस्वीर जो है वो देख सकते हैं। वहीं बता दें आपको इन शिक्षकों ने जो है शिक्षा विभाग को कई बार पत्र लिखा है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्य नहीं हुआ है। इस पर जो है सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। कई दावे सरकार करती है लेकिन ये पटना का एरिया है जहाँ पर एक बिल्डिंग में 5 स्कूल चलाया जा रहा है। बिहार सरकार के लिए कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार सरकार यह दावा करती है और कहती है कि बिहार में भवन निर्माण हम करवा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है भवन निर्माण में खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर दर्शा रहा है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा है, स्कूल कैसा है, बिल्डिंगें कैसी है, बिल्डिंगों स्कूलों की भवन कैसी है, वो आपने देखा किस तरीके से। पटना का ये जो इलाका है वो है करबिगिया स्थित, ये यह स्कूल है और यहाँ पे एक बिल्डिंग में 5 स्कूल चलाया जाता है। तो फिलहाल आपको हमने तस्वीर दिखाई है किस तरीके से एक ही बिल्डिंग में 5 स्कूल चलाया जाता है। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे NBC 24 के साथ, सहयोगी अजय के साथ पटना से अभिषेक की रिपोर्ट।